Good morning. Welcome to another vlog. And let's start with another day. Boom. Good morning, guys. How are you all? And hope you're doing great. Guys, होप आपका दिन भी अच्छा जा रहा होगा और हम भी करने लगे आज के दिन की शुरुआत. और आज का दिन होने वाला है थोड़ा डिफरेंट बिकॉज आज हम ओल्ड दिल्ली नहीं जा रहे हैं. वील बी स्टेइंग हेयर इन न्यू दिल्ली ओनली इन लाजपत नगर इन अमर कॉलोनी. सो वी गोइंग टू पिंस एंड वोस टुडे एंड दिन को दिन की अच्छी शुरुआत करते हैं. चलिए, आज तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है. देख सकते हो कि मैंने भी आज जैकेट नहीं पहनी हुई है. बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ही क्लियर वेदर है और आज का दिन इन्जॉय करने का मन था, इसलिए आज मैं ओल्ड दिल्ली नहीं गया और अपने काम पे नहीं गया. सो आज का दिन थोड़ा लेज अराउंड करेंगे, थोड़ा इन्जॉय करेंगे जो मैं रोज़ नहीं करता, थोड़ा एक शेड्यूल ब्रेक. सो गाइज़, हम आ गए हैं पिंस एंड बोज लाजपत नगर में. गाइज, अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता है तो ये मेंस एक्सेसरी, विमेंस एक्सेसरी और किड्स एक्सेसरी का दिल्ली का सबसे बड़ा स्टोर है. यहाँ पे आपको मेंस के लिए बो टाइज, टाइज, पॉकेट स्क्वायर्स, लेपल पिंस, ब्रोच पिंस से लेके हर जो एक्सेसरी मेंस पहनते हैं, जैसे कि सस्पेंडर्स, लेदर ब्रेसलेट्स, कफलिंग्स वगैरह, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी एक्सेसरीज मिलती हैं. और विमेंस के लिए भी हेडबैंड, हेयर पिन, बेल्ट क्लिप्स, नेकलेस, रिंग्स, जो भी बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी की सारी जितनी भी लेडीज़ और किड्स एक्सेसरी होती हैं सारी आपको यहाँ पे मिल सकती हैं. सो अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता है, मैं यहाँ का फ़ोन नंबर भी लिख दूँगा राइट कॉर्नर में, तो आप उनको कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो. ये रिटेल और होलसेल दोनों करते हैं. सो राइट नाउ आई एम एट द बैक स्टूडियो ऑफ पिंस एंड बोज. ये बिल्कुल ही सीक्रेट स्टूडियो है, यहाँ पे हम चीजें बनाते भी हैं. छोटे से रिबन से लेके हमारे पास यहाँ पे हर चीज बनाने का सामान होता है और आपके कस्टम ऑर्डर के हिसाब से भी हम होलसेल मैं आपके लिए कस्टम ऑर्डर पे चीज़ें बना सकते हैं, जैसे मेंस के लिए बोटाइज और विमेंस के लिए कुछ भी. इवन अगर सिंगल ऑर्डर भी हो कुछ एक्सक्विजिट, तो वो भी बना सकते हैं. सो आप नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूछ. सो गाइज, अब हम देते हैं आपको पिंस एंड बोज का एक छोटा सा ग्लिम्स ताकि आपको पता लग पाए कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं और किस क्वालिटी की हैं. सो गाइज, हम अपनी क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं ऑल ओवर दिल्ली. लोग दूर दूर से आते हैं एंड अगर आपको कोई भी एक्सेसरी चाहिए और अच्छी क्वालिटी में चाहिए, सो दिस इज़ द प्लेस टू बी. आप देखिए अब और आपको कैसे लगता है, डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में लिखिए इफ़ यू लाइक द स्टफ. और कुछ भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो. जो भी आप पूछेंगे मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको आंसर करने की. और अगर आपको कोई इमीडिएट क्वेरी हो तो ये जो फ़ोन नंबर दिया है इस पर आप कांटेक्ट करके इमीडिएटली भी पूछ सकते हैं. सो और गाइस, मैं यहाँ पे इसलिए, यहाँ का कंप्यूटर जो है थोड़ा सा फॉल्टी हो गया, सो वो भी मैं आज शाम को ठीक करूँगा या किसी को बुलाऊँगा ठीक करने के लिए. सो आई विल अपडेट यू विद दैट एज़ वेल.
सो गाइज हुआ क्या था, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के साथ हमेशा होता ही रहता है, आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा अगर आपने कभी डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ किया है तो। होता क्या है कि कंप्यूटर बार बार हीट अप होता रहता है और उसकी कई सारी वजहें हो सकती हैं, रैम से लेके क्या क्या हो सकती हैं, प्रोसेसर में प्रॉब्लम हो सकती है, कूलिंग पेस्ट में प्रॉब्लम हो सकती है और इवन SMPS पावर सप्लाई में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो जो मेरे कंप्यूटर में प्रॉब्लम थी वो थी पावर सप्लाई में, तो वो मैं करा रहा हूँ चेंज और मैंने अपनी पुरानी पावर सप्लाई उतरवा के ये नई कूलर मास्टर की 2500 रुपीज़ की पावर सप्लाई लगवा रहा हूँ। सो इससे आई होप जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जानी चाहिए। बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि हीटअप से डिस्प्ले नहीं आती, कंप्यूटर ऑन रहता है लेकिन मॉनिटर पे कुछ भी दिखाई नहीं देता। सो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली या तो आपका क्या नाम है थर्मल सप्लाई का, पावर सप्लाई का फ़ैन ना चल रहा और हो सकता है कि पावर सप्लाई पूरी ख़राब भी हो सकती है। सो अगर आप पावर सप्लाई चेंज करेंगे तो 90% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। सो यहाँ पे हमने कर दिया पावर सप्लाई चेंज और इसको फटाफट से स्क्रू करेंगे कैबिनेट में और फिर बस इसकी जितनी भी वायर्स हैं उसको मदरबोर्ड में लगाएंगे, हार्ड डिस्क में लगाएंगे, सीडी रोम में लगाएंगे, ग्राफिक्स कार्ड में लगाएंगे और प्रोसेसर से फ़ैन को दोबारा कनेक्ट करेंगे। सो गाइस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है अगर, लेकिन आपने कभी भी कंप्यूटर असेंबल किया है सो इट शुड नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम। सो ये सब करने के बाद कंप्यूटर ऑन करके आप चेक कीजिए कि डिस्प्ले आ रही है नहीं आ रही है। अगर डिस्प्ले आ रही है तो उसको 4-5 मिनट तक चला के रखिए और अगर 4-5 मिनट तक चल जाता है सो इसका मतलब आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। सो दिस इज़ इट, और मेरा कंप्यूटर ठीक हो गया था। और गाइस आज हमने मंगवाया है निज़ाम्स काठी कबाब से गलौटी कबाब, जो कि है मेरा वन ऑफ द फेवरेट फूड जो भी मैं बाहर से खाता हूँ। बेसिकली होता क्या है, ये मीट का गलौटी कबाब होता है। अगर आपको गलौटी कबाब नहीं पता तो बेसिकली ये कबाब है लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ये वाइट कलर के परांठे के साथ आता है और हरी चटनी और प्याज के साथ। तो अगर आप नॉनवेज खाते हो और अगर आपने गलौटी कबाब निज़ाम्स का ट्राई नहीं किया है तो मैं रिकमेंड करूँगा आज ही ट्राई करो, आपका दिमाग खोल के रख देगा ये। मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट 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 सबसे बेस्ट चीज़ है और मेरी सबसे फेवरेट डिनर मील है। सो अगर आप मेरे को ऑप्शन दो पूरे वर्ल्ड में से मैं क्या खाऊँगा, मैं डेफिनेटली निज़ाम्स का गलौटी कबाब ही खाऊँगा, ये इतना अच्छा होता है गाइस। और एनी डे मैं इसको 100 में से 110 स्कोर दूंगा, एनी डे। दिस इज समथिंग एल्स गाइज। अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपको परेशान कर रहा हूँ कि ये लाजवाब है, जाओ जाके ट्राई करो, निज़ाम्स पे खाओ या घर मंगवा के खाओ, बट आई एम श्योर यू विल लव इट। और सॉरी इस वीडियो के एंड में आते आते मैंने आपको अगर भूख लगा दी हो तो, सो जाओ जाके डिनर करो, आप लोग भी इंजॉय करो, अगर आपने डिनर कर लिया तो वेल एंड गुड, आपको दोबारा भूख लग गई होगी। So if you've enjoyed today's vlog, don't forget to leave a like below the video. And if you enjoy such videos, don't forget to subscribe my channel, Dvlogs. Till then, bye-bye. Boom.